अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ जिया। साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर विवादित बयान। महाराज मेरठ में आज शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महज एक नाटक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े कराए हैं। ये वही पार्टी है जिस पर कश्मीरी पंडितों को भगाने का इल्जाम है, हजारों सिखों के कत्ल का इल्जाम है। इसलिए ये यात्रा अपनी छवि बनाने के लिए कांग्रेस का एक ढोंग है। वहीं आरएलडी की ओर समाजवादी पार्टी को छोटे दल बताते हुए कहा कि सभी छोटे दल एक होना चाहते हैं, लेकिन मेंढकों को कभी भी एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। इस दौरान उन्होंने तमाम पार्टियों में सिर्फ बीजेपी को सराहा, कहा कि देश को आगे ले जाने का और विकास कार्य का काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। सुनिए साक्षी महाराज का विवादित बयान। आज आपका मेरठ आगमन हुआ है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरठ आने के लिए। दूसरा, ये जो राजीव गांधी की यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, इसे आप किस तरीके से राहुल गांधी जिन लोगों ने देश के दो टुकड़े कराए, जो फूट डालो राज्य करो की संस्कृति में विश्वास रखते हैं, लाखों हिंदुओं के कत्ल का इल्जाम जिन पर जाता है, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने का आरोप जिन पर जाता है, हजारों सिखों के कत्ल करने का इल्जाम जिस पर जाता है, आज वो भारत जोड़ने का नाटक कर रहे हैं, तो ये केवल जोड़ने का नाटक नहीं है, अपनी इमेज बचाने का एक तरीका है। असल में मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इसके आधार पर मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है और सबको साथ लेके चले हैं, तो जितने भी ये छोटे मोटे दल हैं, पहले भी हाशिए पर थे अब और हाशिए पर चले गए, तो सभी चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा। इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मेंढकों को कभी एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। तो इनका प्रयास है, लेकिन कभी इकट्ठे हो नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के दावादार सब हैं। ममता अलग हैं, अखिलेश अलग हैं, राहुल गांधी जी अलग हैं, केजरीवाल अलग हैं, तो इन मेंढकों को इस तराजू में कोई तोलने का प्रयास करे संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि राहुल की इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं आने वाला है? हाँ, बिल्कुल लगता है, कोई प्रभाव नहीं है राहुल जी की यात्रा का, कोई प्रभाव नहीं है, और ये देश कांग्रेस मुक्त होने ही वाला है। ये भारत जोड़ो के नाम पे कहीं सरकार के खिलाफ गोलाबंदी तो नहीं हो रही है? नहीं, सरकार पारदर्शी सरकार है। हम लोग विकास की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, इसलिए सरकार पर इस यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम झूठे वायदे करने वाले नहीं हैं। जो लोग गरीबी मिटाने का नारा लगाते लगाते राजनीति करते रहे, गरीब मिट गया, गरीबी नहीं मिटी, लेकिन ये मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के आधार पर हर घर को शौचालय देकर, अब हम हर घर में नल और नल में जल, हर सिर पर छत देने का जो वायदा किया है, जो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीका का हिंदुस्तान नहीं विश्व भी कायल है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut.